हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं हमारी कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 का पहले सवाल में दूसरा नंबर सवाल। इसको आज हम हल करेंगे, ठीक है? तो आइए अब हम इसे देखते हैं। इससे पहले हमने ये फर्स्ट सवाल जो है ना, पूरा का पूरा समझा रखा है। आप इसके पहले का वीडियो देख लीजिएगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ओके, तो आइए अब हम इसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे सवाल लिख लेते हैं, इसके बाद हम ऊपर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले माना माना एफ एस। यहाँ पे देखिए, जो एस एस है ना, इसलिए यहाँ पे हमने लिख लिया एस। तो एफ एस बराबर, ये पूरा हम लिख लेंगे बहुपद, 4s² - 4s+1। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे शून्यकों के लिए। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों के लिए। तो शून्यकों के लिए एफ एस बराबर 0। ठीक है, अब देखिए, हमने एफ एस बराबर क्या लिया है, पूरा का पूरा जो इक्वेशन है बहुपद, तो हम यहाँ पे एफ एस की जगह पे इसे लिख देंगे 4s² - 4s+1=0। ठीक है, तो यदि आपने पहला सवाल देखा होगा तो हमने उसमें बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाया था। अब हम क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट में होता है ना, फर्स्ट ये जो 4 लिखा हुआ है, सबसे पहले इस 4 का इधर जो 1 लिखा है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, यानी कि 4 1 = 4 बन जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, हमें वह दो संख्याएं चाहिए जो जोड़ने घटाने पर -4s लेके आए और गुणा करने पर 4 लेके आए। ठीक है, तो देखिए, 2 का यदि हम 2 में गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 2 दूनी 4 हो जाता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और यदि हम 2 और 2 को जोड़ेंगे तब कितना होगा, 4 होगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हमें चाहिए कितना, -4 चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि -2 का -2 में गुणा करेंगे तब ये आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। और -2 और -2 ये हो जाता है कितना, -4 हो जाता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो अब हम इसे इस तरह से लिख लेंगे 4s² - 2s, और यहाँ भी -2s+1=0। अब इसे हम दोनों को अलग अलग बॉक्स में बंद कर लेंगे, ये हो जाएगा 4s² - 2s। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए, जैसे ही माइनस कोष्टक के बाहर आएगा ना, तो अंदर का जो चिन्ह होगा वह बदल जाएगा, तो अंदर ये प्लस की जगह में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, = 0। अब हम क्या लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो जब हम कॉमन लेंगे यहाँ से, तो देखिए इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, तो इसमें से कॉमन निकल जाएगा 2s 2s, और यहाँ बचेगा 2s ही बचेगा, माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 1 कॉमन होता है, ये भी हो जाएगा 2s - 1=0। ये 2 बार आ गया, तो अब हम फिर से यहाँ से कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 2s - 1। ओके, और अंदर बच गया 2s - 1=0। अब हम एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लिखेंगे कि यदि यदि 2s - 1=0, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 2s बराबर हो जाएगा, ये -1 इधर है तो इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा s = 1/2। इसी तरह से यदि यदि 2s - 1=0, तो ये हो जाएगा 2s = 1, तो ये हो जाएगा s = 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर सेम सेम दोनों ही आ गए हैं। तो अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे कि अतः, यहाँ लिखेंगे अतः, ये पूरी इक्वेशन लिख लेंगे कि 4s² - 4s+1 के शून्यक शून्यक शून्य क्या क्या आए हैं हमारे आंसर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों शून्य क्या आए हैं हमारे, अल्फा और बीटा, 1/2 और 1/2 आए हैं। तो हम इसमें लिखेंगे 1/2 व 1/2 होंगे, 1/2 व 1/2 होंगे।
होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे जहाँ जहाँ a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर a। देखिए यहाँ पे a बराबर क्या है, 4 है, b बराबर -4 और c बराबर क्या लेंगे, 1 लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हमें निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अब ये अलग पार्ट है, ठीक है ना, इसको आप अलग रखिएगा, इसके नीचे आपको करना है, ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इस तरह से, तो आपको क्या करना है, ये वाला हिस्सा पूरा इसके नीचे जाएगा, ठीक है ना, इसके नीचे आपको करना है। तो हम ये लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आई है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू 1/2, 1/2, यानी आप किसी को भी अल्फा मान लेंगे और किसी को भी बीटा मान लेंगे। ठीक है, तो हम अल्फा और बीटा की जगह में रखेंगे 1/2 + 1/2 बराबर -b। अब यहाँ पे आपको समझना होगा ये -1 तो हमारे इसी में लगा है, ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू कितनी है, -4 है, तो 1 माइनस ए वाला और 1 जो b की वैल्यू है, तो ये भी हो गया -4 अपॉन a की वैल्यू क्या है 4, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम वगैरह लेते हैं, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये नीचे नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + 1, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा कितना, 4 अपॉन 4, ये हो जाएगा 2 अपॉन 2, क्लियर है, बराबर कितना हो जाएगा, इधर ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया और ये भी कट करके कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यानी कि दोनों साइड क्या हो गए, 1 = 1, दोनों साइड 1 1 आ गए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या कि अल्फा प्लस बीटा, अतः यहाँ हम लिखेंगे अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। क्लियर, तो ये हो गया दोनों साइड का हमारा बराबर। ठीक है, इसी तरह से हम शून्यकों का गुणनफल करेंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, सेकेंड नंबर डालेंगे यहाँ पे क्या है, शून्यकों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा हमारा शून्यकों का गुणन फल अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपॉन ए। ओके, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या थी, 1/2 × 1/2 बराबर c/a की जगह, तो देखेंगे आप c की वैल्यू कितनी है, इधर साइड हम देख लेते हैं, c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 4, तो हम यहाँ भी लिख लेंगे क्या, यहाँ हम लिख लेंगे c की जगह में क्या लिखेंगे 1, ठीक है, और ए की जगह हम लिखेंगे 4, और इधर भी देखेंगे 1/2 और 1/2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 आ जाएगा, बराबर यहाँ भी 1/4 आ गया, मतलब क्या हो गया, दोनों साइड बराबर हो गए। हम यहाँ पे लिख लेंगे कि अतः अतः अल्फा इंटू बीटा इजकल टू c/a। क्लियर हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, बस हमें इतना सवाल को सॉल्व करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।